गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं गणेश राठौर श्री महाविद्यालय हाटी प्लेस से आज पथिक कविता के अगले पद्यांश की व्याख्या करने जा रहे हैं। इस पद्यांश में कवि ने प्राकृतिक छटाओं को बिखेरते हुए मनमोहक बात बताई गई है। ईश्वर रूपी पहलुओं को प्रकट किया गया है कि जिस प्रकार से संसार जब अर्धरात्रि को सो जाता है और तारे अपनी छटाओं से बिखर देता है, उसी प्रकार से भगवान इस सृष्टि के रचयिता भगवान मुग्ध होकर प्रसिद्ध होकर इस आकाश गंगा अर्थात समुद्र तट पर आकाश गंगा के गीत गाता है और मन मोहित मुग्ध हो उठता है ना। उन पहलुओं को व्यक्त करते हैं कवि ने, इस संसार के पहलुओं को व्यक्त किया गया है और प्रकृति की छटा को भी बिखेरने का प्रयत्न किया गया है और प्रकृति की छटा से मन मोहित होकर प्रकृति के बारे में कवि बताने का प्रयत्न कर रहा है। ठीक है, इस पद्यांश की व्याख्या करने से पहले इसका संदर्भ देख लेते हैं। जैसे संदर्भ आता है इस कविता के माध्यम से कि यह किस कविता से लिया गया है और इसकी रचयिता कौन है। तो जैसे इसमें बताया गया प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोही भाग एक कविता पथिक से लिया गया है। ठीक है, पथिक से लिया गया है। इसके रचयिता कौन है? इसके रचयिता राम नरेश त्रिपाठी है। इसके द्वारा रचना की गई, इसकी राम नरेश त्रिपाठी के द्वारा इसकी रचना की गई। ये तो हो जाता है इसका संदर्भ। संदर्भ के बारे में बात करते हैं तो प्रसंग हमको लिखना होता है। प्रसंग में इस कविता के माध्यम से, पंक्तियों के माध्यम से स्पष्ट होता है कि क्या लिखना है। मुख्य बात जो होती है उस मुख्य बातों को यहाँ पर प्रसंग में हमको लिखना होता है। तो इस कविता में हमको मुख्य बात क्या बताई गई है, इसके माध्यम से कह सकते हैं कि प्रस्तुत कविता में पथिक दुनिया के दुखों से विरक्त होकर प्रकृति के सौंदर्य पर मोहित हो उठता है ना। अर्थात कवि कहता है कि प्रकृति के सौंदर्य के बारे में बताने का प्रयत्न किया गया है। प्रकृति के सौंदर्य में मुग्ध होकर वही बसना चाहता है, वही पथिक के प्रकृति के प्रेम के बारे में बताना चाहता है। अर्थात सभी कार्य को छोड़कर दुनिया के दुखों से विरक्त होकर प्रकृति के सौंदर्य पर मोहित होकर वहीं पर रहना चाहता है, वहीं बसना चाहता है ना। इस प्रकार से कवि ये बात को बताना चाह रहा है प्रसंग के माध्यम से। व्याख्या अब आता है, प्रसंग के बाद क्या आती है व्याख्या। व्याख्या करने से पहले हम विशेष देख लेते हैं। तो इस कविता के माध्यम से, विशेष के माध्यम से क्या बताया गया है, प्रकृति का मनोहारी चित्र हमको देखने को मिलता है, प्रकृति का अनुप्रास अलंकार का प्रयोग देखने को मिलता है। ठीक है, और प्रसाद छटा हमको देखने को मिलता है। उसी के साथ अगर हम और बात करते हैं तो कह सकते हैं कि कवि कल्पना अद्भुत करता है ना। प्रकृति का मानकरण किया गया है और संस्कृत शब्दावली युक्त खड़ी बोली का प्रयोग देखने को मिलता है। मुक्त छंद का प्रयोग हमको यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, ये इसका विशेष हो जाता है। ठीक है, इसका विशेष के माध्यम से हमको देखने को यहाँ विशेष कंप्लीट हो जाता है। विशेष के बाद हम देखते हैं व्याख्या। व्याख्या में कवि क्या बता रहा है पंक्ति के माध्यम से देखते हैं। जब गंभीरतम अर्ध दिशा में जग को ढक लेता है, अंतरिक्ष की छत पर तारों का छिटका देता है ना। कवि क्या बता है कि जिस प्रकार से कवि बता रहा है कि जब गंभीरतम अर्धरात्रि मतलब अर्धरात्रि मतलब दिशा के तम, जिस प्रकार से सारा संसार के माध्यम से ले रहा है के माध्यम से अर्धरात्रि हो जाती है और संसार के जग को ढक लेता है ना। अर्ध दिशा में जग को ढक लेता है, संसार के माध्यम से अर्धरात्रि हो जाती है तो संसार सब सो जाते हैं। इसके माध्यम से कह सकते हैं अंतरिक्ष की छत पर तारों का छटका लेता है और आकाश में के माध्यम से कह रहा है कि आकाश में तारे बिखरते हुए दिखाई देता है। अंतरिक्ष की छत पर तारों का छटका देता है, अंतरिक्ष की छत पर अर्थात आकाश की छत पर जिस प्रकार से तारे बिखरे हुए दिखाई देता है। सस्मित मंदन जगत का स्वामी मृद गति आता है, तट पर खड़ा गगन गंगा के मधुर गीत गा रहा है। क्या बता रहा है सस्मित मंदन, अर्थात कवि क्या कह रहा है कि सस्मित मंदन जगत का स्वामी अर्थात धीमी गति से मृद स्वामी मृद मधु गति से तब धीमी गति से जब आता है और मुस्कुराते हुए ना, मुस्कुराते हुए भगवान इस जगत का स्वामी, इस संसार का स्वामी, इस संसार का निर्माण करता है ईश्वर भगवान, मुक्त होकर प्रसन्नचित होकर धीमी गति से आता है और मुस्कुराते हुए आता है और गंगा के तट पर था समुद्र के तट पर वह आकर गंगा के मधुर गीत गाने लगता है। तट पर खड़ा गगन गंगा
गंगा के केतवा मधुर गति से गीत गाने लगता है। उसमें ही विमुक्त होना में चंद्र विहस देता है, वृक्ष विहीन पत्तों पुष्प से तन को सजा देता है। अर्थात उनका भगवान के इस कार्य को देखकर संताय रचिता के कार्य को देखकर क्या होता है कि जो नव आकाश है ना, आकाश में चंद्रमा है ना, और विमुक्त जो धीमे गति से जो कार्य कर रहे ईश्वर उसमें ही विमुक्त प्रसन्नचित होना है ना, उसमें ही विमुक्त होना में चंद्र विहस देता है। अर्थात भगवान के कार्य को देखकर चंद्रमा आकाश से उनके कार्य को देखकर कर हंसने लगते हैं, चंद्रमा हंसने लग जाते हैं। वृक्ष भी पत्तों पुष्प से तन को सजा लेता है, जो भिन्न भिन्न जो वृक्ष है भिन्न भिन्न इस कार्य को देखकर वो भी अपने पत्तों के और पुष्पों से अपने तन को अपने को सजा देते हैं, वो भी मुस्कुराने लग जाते हैं। पक्षी हर्ष संभाल ना सकते, मुक्त चहक उठते हैं, फूल सांस लेकर सुख की सदा उड़ते हैं। अर्थात क्या होता है, इस कार्य को लेकर पक्षी भी है ना, पक्षी भी साहस आनंद हो जाते हैं, मुस्कुराने लगते हैं और चहकने लग जाते हैं। संभाल कर ना सकते हैं पर अपनी हंसी को छिपा नहीं सकते हैं और वो भी मुक्त होकर चहकने लग जाते हैं, प्रसन्न होकर वो भी चहकने लग जाते हैं। और फूल सांस लेकर सुख की सांस होते हैं, और जो फूल है वो भी मुस्कुराते हुए और सुख की सदा के लिए सुख की आनंद भरी प्रसन्नचित होने लग जाते हैं, सुख की सदा उठते हैं। फूलों के माध्यम से कवि का भाव व्यक्त किया गया है, फूल भी की आनंद युक्त सांस लेकर रहने लगते हैं, फूल भी सुखी आनंद भरे सांस लेकर वो भी रहने लगते हैं। इस प्रकार से इस कन्या की पुण्य वैष्णव में ढूंढना हो चाहिए।